रही है क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पद्मावत फिल्म को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज फिर राजपूत सभा के दर्जनों युवकों ने सिनेमा घरों पर पहुंचकर हंगामा और तोड़फोड़ की। युवकों ने शहर में सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। दर्जनों युवक सबसे पहले चंद्रा सिनेमा हॉल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पद्मावत फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और वहीं टिकट खिड़की पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इसके बाद दर्जनों राजपूत सभा के युवक माया पैलेस पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए और हंगामा करते रहे। पुलिस के आने के बाद वहां से युवक नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित माल पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी कर हंगामा करते रहे। राजपूत सभा का कहना है कि आज का विरोध प्रदर्शन आखिरी विरोध प्रदर्शन था। इसके बाद अगर फिर भी पद्मावत फिल्म मुजफ्फरनगर के किसी भी सिनेमा हॉल में चलाई गई तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संवाददाता दीपक वत्स की रिपोर्ट। मामला ये है, हमने पिक्चर रोकने का विरोध करा था। पिक्चर लगनी नहीं चाहिए, पद्मावती पिक्चर लगनी नहीं चाहिए, और प्रबंधन ने कहा है कि हम लोग पिक्चर को नहीं लगाएंगे यहाँ पे, लोगों की भावनाओं को देखते हुए। और अगर पिक्चर लगाई गई तो सारा का सारा जो हिंदू समाज है, राजपूत संगठन है, वो भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं, मामला बिगड़ सकता है। इसलिए भैया ये पिक्चर ना लगाओ यहाँ पे। इन्होंने आश्वासन भी यही दिया है कि पिक्चर यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इसी बात को लेकर सारा समाज आज इकट्ठा हुआ था भाई, सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर रहेंगे, हम रात दिन सड़कों पर रहेंगे, पिक्चर लगाने देंगे। देख रही है क्राइम स्टोरी।